अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ है। और सुबह व खैर ज़िंदगी जी, सबको नई सुबह मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल एम ए फैमिली ब्लॉग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर देना ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुँच जाए। और कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बता देना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अभी जो मैंने बेड की चादर जो है वो चेंज की है क्योंकि मैंने धोना है उसको, बच्चों की वजह से ख़राब हो जाती है। और सुबह सुबह का टाइम अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 8:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं अम्मी वगैरह के घर नहीं जा रही हूँ, उधर से ही आई हूँ, नाश्ता करके आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री जो हैं वो काम कर रहे हैं और सहन में थोड़ा सा उन्होंने काम करवाना था तो मेरा वहाँ पे बैठना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको वहाँ पे संभालना मुश्किल है और वो कोई ना कोई काम ख़राब ना कर दे। और अरहम जो है वो बिल्कुल शरारती है, उसको देखना उसको संभालना बहुत तकरीबन मुश्किल नामुमकिन हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने घर पर ही रुकूँगी और आप लोगों के साथ यहीं पर ब्लॉग करूँगी, ठीक है जी। और ये देखिए जी, अयान जो है ये मेरी गोद में आ गया, ये दोनों तकरीबन उठ चुके हैं। और अरहम भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो झूले में लेट के फीड ले रहा है, अपना फीड जो है वो पी रहा है। तो ये बच्चे सोने तक का मैं वेट करूँगी, बच्चे सो जाएं उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। और ये अभी तक नहीं सोएंगे क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, इसलिए इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद जो मैं अपनी बाकी रूटीन जो है जो अपना काम काज है मैं वो करूँगी। तो चलिए फिर इनको सुलाने की कोशिश करते हैं अगर ये सो जाए तो। अरहम क्या पंगे ले रहे हो यहाँ पे, सीधे से बैठो आराम से, क्या कर रहे हो, ऐसे गिर जाओगे। ये देख लें आप लोग अरहम की हरकतें देखें ज़रा, ये टिक के नहीं बैठता, बिल्कुल भी नहीं बैठता। बच्चे होते हैं वो झूले में सो जाते हैं, लेट जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बैठता है, कभी उस साइड पे हो जाता है कभी इस साइड पे आ जाता है, ऐसे इसके गिरने का खतरा है। तो ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ये नीचे रखो, इसके अंदर रखो, क्यों निकाला बाहर, इसको नीचे रख दो। अच्छा सब आप ऐसे करो, सबको बाय करो, हाई करो, सबको हाई करो, हाय। अच्छा और क्या खाया अभी आपने, क्या खाया है, किधर से आए हो, किधर से आए हो, इधर देख के बताओ ना किधर से आए हो। इसे क्यों बार बार फेंक रहे, इधर रखो ना, अंदर रखो अपने पास, ये देख ली जो चीज़ इसको कहते कि नहीं करनी वो ये ज़्यादा करने लग जाती। अच्छा इधर देखो मेरी बात सुनो, नानू घर गए थे तो फिर मामू वापस क्यों लेके आए, आपने शरारत की थी, शरारत की थी जी। अच्छा मैंने देख पूछ लिया, देखिए मैंने कहा कि शरारत की थी, आगे से कह रहे कि जी, हाँ ज़रा भी नहीं डरता है, आराम से बोला जा रहा है जी जी। तो क्यों की थी शरारत, जी जी मुझे पता है, तो क्यों की थी शरारत, अगर आराम से टिक के बैठते तो वो बिठा लेते ना वहाँ पे। इसीलिए मुझे तो ना मेरे भाई ने साफ साफ कहा कि आप इसको प्लीज़ ले कर उधर से लीजिए क्योंकि ये सारा काम ख़राब कर देगा और जो सारा किया कराया उस पर पानी फेर देगा, तो आप प्लीज़ तब तक वहाँ पर जब तक ये खुश्क नहीं हो जाएगा, वो काम कर रहे हैं थोड़ा सा सहन में, इसलिए मेरा यहाँ पे बैठना मजबूरी बन गया इसकी वजह से, वरना मैं कोई ना कोई हेल्प करवा देती अम्मी की या भाइयों की, सिर्फ इसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। आप देखें यहाँ पे मजबूर हो के बेबस हो के लेट गया है और ये जो है ना मैंने रस्सी बांधी हुई है झूले के साथ ताकि इसको थोड़ा सा खींचना आसान हो जाए। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, झूले अब झूले नहीं लेने, अब नहीं लेने झूले। अच्छा अयान भाई किधर है, अच्छा मेरी बात सुनो, सबको बताओ अयान भाई का ख्याल कौन रखता है, अयान भाई का ख्याल कौन रखता है, प्लीज आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से, आराम से बाहर आना है,
बाहर आना है। अच्छा रुको फिर। हाँ जी, तो आ गए ऊपर। क्या लेने आए ऊपर? हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? हाथ में क्या पकड़ा हुआ है दिखाओ मुझे। रिमोट पकड़ा हुआ है, चला के दिखाओ, चलाना आता है? अच्छा हेलो कैसे करते हो, हेलो कैसे करते हो, हेलो किसको कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो बताना। बाबा को बोलो बाबा आ जाएं। और वो गाड़ी किसकी पड़ी है, आपकी है, वो उठा के लाओ, वो पड़ी हुई जा उठा लो, जाके भाई को उठा के ला के दो, जाओ। खेल रहे हो? अरे भाई को नहीं साथ खिलाना, इसमें एक चीज भाई को दे दो ना, एक चीज भाई को दे दो। गाड़ी में क्या लेके आ रहे हो, गाड़ी में क्या लेके आ रहे हो? हाँ इतना गुस्सा। अच्छा यार हम गुस्सा करके दिखाना कैसे करते हो, सबको गुस्सा करके दिखाओ, इधर मेरी तरफ देखो, सबको गुस्सा करके दिखाना कैसे करते हो, इधर देखो मम्मा बुला रही है, गुस्सा कैसे करते हो, गुस्सा करके दिखाओ सबको, इधर 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 दिखाओ, इधर कैमरे की तरफ देखो, इधर नहीं वो छोड़ो, रिमोट रखो इधर साइड पे रखो, अब गुस्सा करके दिखाओ। उई इधर देख के ना, इधर इधर कैसे गुस्सा करते हो, वैसे सही से दिखाओ ना इधर देख के। ये देख लीजिए ये गुस्सा करने का अंदाज है इसका, ऐसा गुस्सा है अभी कि किसी दूसरे को देख के हंसी आ जाए। चले अब आप लेट जाओ, इधर सो जाओ, इधर अब आप सोओगे तो मामा ने काम भी करना है, इधर सो जाओ।
बेडशीट अभी धो के डाली है ना, यकीन माने सारी मेहनत इसने ले ली है मेरी, बहुत थका दिया इसने। जितना धोना मुश्किल था उससे कई ज़्यादा तार पे लटकाने के जो खुश्क होने के डालते हैं ना वो ज़्यादा मुश्किल है। एंड हो गई है इस पर, तो अभी काम बाकी है, चाय वगैरह बनानी है जी मिस्त्री वगैरह के लिए। उधर तो जगह नहीं है बिल्कुल बीच वाले वगैरह के पास, तो मैं इधर से बना के भेजूँगी अम्मी वगैरह को। आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ये मेरी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरा जो आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट ऑल एंड मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।